हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडूटैप टीईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी आप लोगों को पेपर वन के लिए, खास तौर से मैं बता दूं पेपर वन वालों के लिए मैं क्या कर रहा हूं जिनका पेपर वन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं। 2016 जो सितंबर में पेपर हुआ था उसके मैं क्वेश्चन करा चुका हूं सारे। अब 2016 जो फरवरी में पेपर हुआ था उसका पार्ट वन, मतलब 5 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं पार्ट टू यहाँ पर कराने वाला हूँ, लगभग यहाँ पर भी आज मैं 5 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ईयर वाइज मैं यहां पे आपको मैथ के सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाले हैं, इससे बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी तरीके के बार बार आते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड नहीं होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर लिए तो आप पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाई है। तो आज हम लोग पार्ट टू देखने वाले हैं। जिसने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट वन देख ले, और जो सितंबर में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन मैं लगभग सारे ही करा चुका हूँ, वो भी एक बार देख ले। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं एडूटैप के, ठीक है। 2018 की अगर मैं बात करूँ, 2018 में आप देख रहे हो सीटेट 2018 में 700 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा कोर्स लिया और एग्ज़ाम को क्रैक किया। काफ़ी अच्छा नाम है, ट्रस्टेड नेम हो चुका है एडूटैप का, ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी आगे एडूटैप बढ़ चुका है। अब स्टूडेंट्स, अगर कोर्सेज की बात करूं सीटेट 2019 के लिए हमने कौन कौन से कोर्स लॉन्च किए हैं, पेपर वन का फुल वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, बहुत शानदार कोर्स बनाया गया है। पेपर टू में जो अब मैथ और साइंस कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फुल कोर्स होगा, फुल वीडियो कोर्स, और सोशल स्टडी वालों का भी हमने बहुत ध्यान रखा है, तो इसीलिए पेपर टू सोशल स्टडी जिनके पास है उनके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया है। पेपर वन प्लस पेपर टू अगर कोई परचेज करना चाहते हैं, जिसने पेपर वन भी देना है पेपर टू भी देना है, तो पेपर वन प्लस पेपर टू वो दोनों कोर्स परचेज कर सकते हैं, या मैथ और साइंस के साथ या सोशल स्टडी के साथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स, आपको कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 250 से बहुत ज़्यादा, लगभग 350 के आसपास इंटरेक्टिव कॉन्सेप्ट वीडियोज़ होगी, हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिलने वाली है, हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है, बहुत शानदार मिलने वाली है चीज़ें। पीडीएफ नोट्स होंगे ईवीएस साइंस एंड और सीडीपी के। अब 4500 प्लस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैथ की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जैसे आप लोग कर रहे हैं पेपर वन वाले, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के ऊपर आपको जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट, वहाँ पर फिर उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग देख सकें कि कहाँ पर आपने गलतियाँ की और कहाँ आपने चीज़ों को सही किया है। सेपरेट सेशन होता है एडवांस क्वेश्चंस के, जैसे कि आप लोग देखते ही हो लाइव सेशन चलते हैं, और ये भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये इसी का पार्ट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको, 10 मिनिमम फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 10 से ज़्यादा ही कोशिश करेंगे कि 10 से ज़्यादा ही हो जाए, मतलब कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला। अब स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे hello@edutap.co.in पे अपनी मेल कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं 8146207241 पर, लेकिन कॉल करने की जो टाइमिंग है स्टूडेंट्स मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, 10 AM से 7 PM तक ही आप कॉल करें, ठीक है। या आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं www.edutap.co.in/CTET, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है परचेज करने में तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है लॉन्च वीडियो है, इस ये डिस्क्रिप्शन है, जब आप वीडियो के नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा लॉन्च वीडियो का, जहाँ पे आप लॉन्च वीडियो देख सकते हैं कि जब हमने कोर्स लॉन्च किया तो उसमें आपको क्या क्या मिलने वाली चीज़ें हैं। फिर अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस लिंक पर जाइए और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू परचेज एंड हाउ टू यूज द कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो उस वीडियो में आंची सर की वीडियो है वो पूरा कुछ मिल जाएगा आपको देखने में। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे इस लिंक पे जाकर एक फॉर्म भर दीजिए, जो भी आपका डाउट है वो फॉर्म में लिख देना, खुद यहाँ से कॉल करेंगे टीचर्स और आपकी क्वेरी को हैंडल किया जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिए फिर से फ़ोन नंबर दिया गया है, यू कैन कॉल अस @8146207241 पे।
स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो और भी बहुत अच्छा होगा। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि इस मंथ के एंड तक हम 50K सब्सक्राइबर करना चाहते हैं और उसमें आप लोगों की हेल्प हमें चाहिए होगी। बाकी सारी अच्छी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। आपको अगर कुछ और चीजें चाहिए मेरी तरफ से, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में कुछ और हो आपके लिए जो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लगभग मैं 6 मिनट आप लोगों की ले चुका हूं, थैंक यू सो मच आप लोगों ने 6 मिनट दिए अपने। अब हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, कह रहा है ए डिस्टेंस ऑफ 1/2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट्स 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ये मैपिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनली 200 किलोमीटर है एक्चुअल में, उसे जब मैंने मैपिंग में लेके आया, मैपिंग में चीजें को छोटा करना पड़ता है, तो ये क्या कर दिया, 1/2 सेंटीमीटर कर दिया, किसे, 200 किलोमीटर को। अब कह रहे हैं कि इफ टू सिटीज आर 1800 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन देयर डिस्टेंस ऑन द मैप विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई यूनिटरी मेथड नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में 200 किलोमीटर है, लेकिन जब मैं इसे मैपिंग में लेकर आया तो मैंने इसे 1/2 सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि जो मैपिंग होती है वो हमेशा, ठीक है, कम करके दिखाई जाती है। ये बात समझ में आ रही है। अगर एक इंडिया का मैप पूरा जो है एक पेज पे बनाना है तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो तो ले नहीं सकते, तो वहाँ पे कुछ पैमाने माने जाते हैं कि हाँ भाई मैं 200 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लेके चलूँगा या 1000 किलोमीटर को एक कुछ भी 2 सेंटीमीटर, ऐसी कुछ मैपिंग होती है। तो वही मैपिंग यहाँ पर हुई कि जो 200 किलोमीटर एक्चुअल में वो 1/2 सेंटीमीटर है मैप में, इधर मैप लिखा गया है और इधर बात कर दी जाए तो इधर ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है वो लिख रहा हूं मैं। अब स्टूडेंट्स, ये कहा है कि अगर 1800 किलोमीटर होगा तो मैप पे कितना होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे सब निकालने लगते हैं 1 किलोमीटर क्या होगा, कुछ इस तरीके से नहीं। आप एक बात सोचो भाई, मेरे पास 200 तो है ही है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूं तो क्या 1800 किलोमीटर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। अगर आपने इधर मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 9 कर दे, और किसे मल्टीप्लाई बाय 9 कर रहे हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई बाय 9 कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 4.5 सेंटीमीटर। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इजीली यहां पे मार्क्स ले सकते थे। क्लियर, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। क्लियर हो गया ना। यूनिटरी मेथड तो तब लगाते हैं जब चीजें ज्यादा उलझ जाती है। मैं देख रहा था कि मुझे यहां से कहां जाना है, 200 से 1800 पे जाना है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, डायरेक्टली 9। यहां पे भी मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मेंसुरेशन से रिलेटेड है। आप देख लीजिए क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 48 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2/3 द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द सम ऑफ देयर एरियाज इन स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, सुनो। अगर रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा कहा है कि जो लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर है, बात समझ में आई, और जो ब्रेथ है बी दिया गया है वो कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अब रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए होता क्या है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल इंटू बी होता है, ये मैंने कोर्स में बताया है क्यों होता है, कैसे होता है सब कुछ। तो अब एल कितना दिया गया है, 48, और ये कितना दिया गया है, बी 21। अब देखिए जब आपने मल्टीप्लाई करनी होती है तो आप ऐसे मत करो कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बहुत सारे तरीके मल्टीप्लाई करने के। आप क्या कर सकते हो, 48 इंटू 21 को क्या लिख सकते हो, 20+1, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा सीधा सीधा, और आप जब यहां पे यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आप दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करें, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करें तभी चीजें बन पाती है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक स्क्वायर भी है, अगर बात करेंगे तो यहां पे एक स्क्वायर भी है। अब जो स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 2/3 है, किसका,
लेंथ का, किसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ, मतलब 48 का, मतलब 2/3 हुआ किसका, 48 का, 48 का 2/3 कितना हो जाएगा, ये 16 टाइम गया, 16 इंटू 2 कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर, ये आ गई स्क्वायर की साइड। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी थी 32, तो 32 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है, कितना हो जाएगा 1024। तो स्टूडेंट्स अब इसने क्या पूछा है, दोनों का एरिया पूछा है, तो दोनों को ऐड कर दो, यही तो 10 सम पूछा है मेरे से, तो 1008 में जब 1024 हम लोग ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में ना, और यहाँ पे आपकी अगर सही अप्रोच है तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा लेंगे, वरना आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि 672 ध्यान से देखना इंटू 36 इंटू 25, सबसे पहले तो इसे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई कितनी बात बनी, कितना आया, और फिर ऑप्शन के थ्रू सारी चीज चेक करते हैं। आप कहना क्या क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सेकेंड इन 5 डेज, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा द नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 वीक, चलिए द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 वीक्स, या द नंबर ऑफ आवर्स इन 60 डेज। अब आपको देखो पता भी होगा कि हाँ जी हम लोग इसे क्या करते हैं, ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू चेक करने का सही तरीका होना चाहिए स्टूडेंट, सही तरीका क्या हो सकता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि सही तरीका क्या होगा। मतलब आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई मत करें, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगर पहला ऑप्शन ठीक होगा, पहला ऑप्शन देखिए सुनना ध्यान से, कह रहा है द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 5 डेज, तो देखो 5 डेज, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर पहला ऑप्शन ठीक है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 672 इंटू 36 इंटू 25। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए अगर ये आंसर ठीक है तो, चेक कर लेते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 12 से कट किया तो ये कितना 5 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, इस 5 से ये 25 5 टाइम्स गया, 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, 15 से 60 कितने टाइम गया 4 टाइम गया। अब स्टूडेंट्स इधर कितना बचा 672, और इधर कितना बचा, कितना बचा देखो, अब देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, 5 इंटू 24 इंटू 4, और यहां पे कितना बचा 672। अब यहां पे देखो फिर बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिए ये यूनिट डिजिट कितनी है, यहां पे 2 है। अब यहां पे देखो इस 4 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 16 आएगी यूनिट, 6 आएगी यूनिट डिजिट, इस 6 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, जबकि यूनिट डिजिट क्या है यहां पे 2, मतलब ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात समझ गए ना, यूनिट डिजिट चेक कर लो सीधा आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है या नहीं है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर मैं सेकंड ऑप्शन चेक करूं इसी तरीके से, द नंबर ऑफ सेकंड इन 1 वीक, चलिए 1 वीक में 7 डेज, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 सेकंड और 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर ये आंसर सही है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 672 इंटू 36 इंटू 25, अगर ये सही है तो। अभी हमने देखा कट करके, चलिए दोबारा देख लेते हैं, ये 12 से 5 टाइम गया, ये 3 टाइम्स गया, ये 5 से 25 5 टाइम गया, ये कितना हो गया 15, 15 गया तो ये कितना आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट्स देखो इधर कितना बचा 672 और इधर कितना बचा 7 इंटू 24 इंटू 4, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करें हम, इस 4 की मल्टीप्लाई 4 से हुई तो 16 मतलब लास्ट में 6 आएगा, और इस 6 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो 42, तो लास्ट में कितना आएगा 2, इसका मतलब यहां पे भी यूनिट डिजिट 2 है और इधर भी यूनिट डिजिट 2 आएगी, इसका मतलब यही सही आंसर है, चाहे आप क्रॉस चेक करके देख लेना, मतलब आप देख लेना कि 7 इंटू 24 इंटू 4 जो है 24 इंटू 4 ये कितना आएगा 672 ही आएगा, और इसके इक्वल टू भी कितना है 672 है, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ इस तरीके से चेक करना है जिससे चीजें आसान हो ना कि टफ, उम्मीद है समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए बहुत बार, क्योंकि ये थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कह रहा है व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड, जब ताजी जो मछलियां हैं वो सूख जाती हैं, जो फ्रेश है वो ड्राई हो जाती है, इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब पहले फ्रेश है और फिर ड्राई हुआ है तो वेट भी कम होगा, और वेट किस हिसाब से कम हो रहा है, 1/3। शावी, शावी कोई लड़की है, बोट 2709 kg of fresh fish at the rate of 27 rupees per kg and when dried she sold them at rupee 97.5 per kg she earned in all। तो देखियो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सा बात बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। देखिए जब उसने खरीदा, खरीदा मतलब उसका खर्चा कितना हुआ था, एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसने फ्रेश खरीदा मतलब 2709 और किस रेट पे खरीदा, 27 रुपीज पर केजी के रेट पे उसने परचेज कर लिया। बात समझ में आ गई। तो मैंने इसे टोटल कॉस्ट मतलब जो एक्सपेंडिचर, इसे हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। तो इसे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 73143, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो मतलब ये जो है उसका एक्सपेंडिचर था, ये मतलब टोटल कॉस्ट उसे पड़ी जब वो खरीद के लाई, ये टोटल कॉस्ट थी। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब बात आ गई ड्राई की। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले वो कितना लाई थी, 2709। अब ड्राई होते ही फ्रेश का कितना हो जाता है, 1/3, मतलब इसका कितना हो गया, ये 1/3। कट करेंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 903 kg, मतलब अब टोटल इतना वेट रह गया। अब टोटल इतना वेट रह गया तो अब क्या होगा कि अब उसकी इनकम, इनकम मतलब उसने बेचा कितने में, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस आप कह सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो उसने 903 केजी जो है किस रेट पे बेच दिया, 97.5 के रेट पे बेच दिया स्टूडेंट्स। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88,042.5, बात समझ में आई ना। मतलब इतना तो उसने टोटल कमाया है और ये उसका खर्चा था, ये तो टोटल उस पर पैसा आया। तो उसकी जो अर्निंग है, अर्निंग क्या होती है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बात समझ में आई ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बात क्लियर। तो सेलिंग प्राइस तो कितना है, 88,042.5, और उसने जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 73,143.0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो ही होगा। अब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस करूँगा तो 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 9, और फिर 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो फिर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9, बात समझ में आई ना लास्ट। अब आप एक बात देखो, मैं ना साथ साथ में ऑप्शन की तरफ भी दिमाग चल रहा था, 0.5 हर एक ऑप्शन में, पॉइंट के बाद यहाँ पे 9 हर एक ऑप्शन में, लेकिन अगर फिर आगे 9 की मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये भी मैंने कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से कराया है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, सिंपल। आपको पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये क्या कह रहा है, जूरी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर बाय बाईसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आर, 20 किलोमीटर बाय स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आर, एंड 50 किलोमीटर बाय कार एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आर, द टोटल टाइम इन मिनट, टाइम जो है मिनट में बताना है, टू ट्रेवल दीज डेस्टिनेशन वाज। स्टूडेंट्स अगर आपके पास टाइम आवर्स में है और आपने उसे मिनट में चेंज करना है, तो अभी मैंने बताया इसे मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 60 से, तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा, ये आपको पता है। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें कि पहले वो 16 किलोमीटर, अगर 16 किलोमीटर की बात करें तो कितनी स्पीड से गया है, 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड लिख रहा हूँ, और फिर यहाँ पे आ जाएगा टाइम, ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो स्टूडेंट्स अगर टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, अभी मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो कितनी थी 16 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी 15, लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो 15 किलोमीटर पर आर जो आंसर आएगा वो आर में आएगा, लेकिन अगर इसे मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूँ तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, ये 4 टाइम कट हो गया, 16 into 4, तो ये कितना हो जाएगा 60
4 मिनट। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर, आगे क्या लिख रहा है, 20 किलोमीटर किससे गया, स्कूटर से गया, और कितनी स्पीड के साथ, 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड के साथ। तो स्टूडेंट्स टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन ये फिर बात आर में ही आएगी, तो इंटू क्या कर दिया मैंने, 60। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये जीरो से जीरो कट हो गई, फाइव से कट किया तो ये कितने टाइम्स हो गया, फोर टाइम्स, और फोर इंटू सिक्स कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 मिनट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स लास्ट में वो क्या हुआ कि 50 किलोमीटर और गया, लास्ट में 50 किलोमीटर कार से गया, कितनी स्पीड के साथ, 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टाइम आएगा, डिस्टेंस मतलब 50 अपॉन 60, लेकिन ये तो बात फिर आर में आएगी, तो मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 50 मिनट। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। अब उसने टोटल टाइम पूछा है तो ऐड कर दो, 64 प्लस 24 प्लस 50, 64 प्लस 24 तो कितना हुआ, 88, 88 प्लस 50 कितना हुआ, 138। तो टोटल टाइम जो होगा वो 138 मिनट हो जाएगा। सेकंड इज द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई। मैंने बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया एक एक चीज़, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में भी आ गया होगा स्टूडेंट। फिर से अगर एक बार मैं अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँ तो फटाफट से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ें खत्म होती है। मैंने अच्छे क्वेश्चंस कराने की काफ़ी कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी बहुत आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग मेहनत करिए, ऐसे हम लोगों को प्यार देते रहिए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर जो है 50K तक पहुँचाने में हेल्प करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।